यार बुधाए जबी तो के खबर ही कहां गई त लतीफो आए छा वो खिली चोपियो ता सभी खिलो पियो मुखे लगे मां छो मुखे रो मां भी खिले लगे से तो बतायो ना साईं लतीफो हुआ छा बुधाई कणी अरे भाई इकरी बुड्ढी बचपन में गुजारे भाई हां पयो ओए अरे भाई इकरी बुड्ढी बचपन में गुजारे भाई ओए थियो छा अच्छा
मखे तुझो भाग मिले तद हु लगा पूछने मां वट सब कुछ है धन दौलत जमीनो राजपाट सब कुछ ओ भी मां परेशान छ रहे तू अगर तुम मुसाइयो वायदो करने है तू वापस मोरती अच्छी के बुधाई दे तद तो के शरीर दोस न त जिंदगी भर हिताई कारागार में बंद रहने अरे महाराज मां वायदो तो क्या मां वायदो तो क्या महाराज हे वठो महाराज महाराज ने तुम्हार महाराज इना के जवान इज्जत सा राजा की सीमा से छड़े छो जी महाराज महाराज मुंजे नाम तवा तो है ना अरे शरीफ मानो के पकड़े आया इन जो करे तो तवा के देह कोण लगे महाराज माफ कर के माफ कर के बनो ठीक है ठीक है हजर तू बनी भेजो कम कर Thank you.
पैरी तो के ओ राजा मिले तो उनके जय जय उनजी समस्या तटे हल थीनी जडे राजा जी जय हो।
थी चुको आ तवा के पर एक खत जो भी जवाब न दियो खबर तय करे मजबूरन मुखे पाजी हन चरी दिए लाए पाजी रियासत छले ता वण चणो पयो राजा जी मां शादी न थो करन छया इने गाडी ने लपो जवाब दे राजा साहब शादी जो सवाल तमा कयो ही न पहिरियो तमा मके इयो बुधायो के बे खत जो जवाब ता न मोकलियो मके तमा जी सबनी कदे न शादी तो तो लिखे रहो यो पर छो मां ने की की समझाया मो छा क्या असल का लिया है मां शादी करे ही न तो सका पर कुछ बुधायो ता सही वरी ने की समझाया मुझे शादी ने थी न की सके अगर मां चाया तरह पे जो का प्यो के का प्यार करना आयो ना चली एड़ी नहीं कर रहे राजा साहब मुखे तो तावा जी का दाल समझ में नहीं अचे कदे चौथा मां शादी करन न तो चाया कदे वरी चौथा मां शादी करे न तो सका ए वरी कदे चौथा ये शादी थी न थी सके आखर तवा चाया छा तो मुखे साफ साफ बुधायो न तो तमाम के जान गायो मां राजा खंजर सिंह आया खंजर सिंह ए जे कदे तमाम मोहिनी जी से शादी करने लाय राजी न थयो तपो पाजे रियासत जो हशम जो सरी रियासत में मां तेज प्रेस कर सकिनु तमाम गुस्सो न कयो गुस्सो न कयो अगर तमाम जी इजाजत हो जाए तो तमाम जी दिए सा थोड़ी देर अकेलो गलाए तो सका अकेलो कतई न जेका भी गाल करनी है थवा हते असा ने सामू कंदो पेमेंट तो लाए दियो ना परेशानी छा इन में सोचता ही न के ठीक आ ब मिनट वन पर ध्यान सा मुखे इन राजा ते शक पयो थे वन हेलो
ही घर तो मई सावकार बट गिरी पे हुआ है और ही सब छटे जल्दी सामान बदले बैठो कटे वो सावकार ना अच्छी बजे तो इन जो मतलब मारे पड़े ना पाए काम देख खाने ला आने तो एकरो दाना बने एक पके प्राइस ही मई जाए पर माँ चाहा थी ये समस्या सा भजन कई समाधान कोने तो छा कही हूँ मरी बनी हूँ छा अरे हे छा ता छा था जो ता भूल जी गया वो नंडो बार ता के छा समझाई रही हो हे इंसान जो जीवन ऐसा की इलाही मुश्किल सा मिलन दो है इनके ये विंजाय ना खपे तो जो ता मतो खराब थी है ये सब छट सामान जल्दी बन वो साहूकार अच्छी होता झूले लाल मेहनत करे ये सब अच्छा काते वजन की तैयारी आए मंगत पाप मोके लगे तो ये सब उम्रता वजन है अरे तू चुप कर बीच में ना बोले नन साईं ऐसा की दे वेदा सी मोके चेहरे ना ठायो मोके ये सब समझ में अचे तो ता हिते का भजन की तैयारी में आयो नन मालिक असा तो तांजे बारे में गलाई पिया लाई बड़ी उमरा तांजी मुंजा पैसा मुझे हथ में रखो मुझी उम्र पाण लंबी थी रहती चौपट अरे कया तू ना हां छा सोचियो आ साईं ताके तो पतो ही है इन बार भी असल जी फसल खराब की हुई है अरे काई नई गल कर तू जो ये रोयो तो मां तो इन 10 साल से बुरा तो मालिक असा के का छी सत महीने जी मोहलत दे हो ना मोहलत दे प्यो केतरी मोहलत दे आ अजा ताई मोहलत तो दया तो ओके मिलियो छा ना असल मिलियो ना सूत पप्पा ने चुप ना मुझा पैसा दे ना तो घर खाली कर ए मुझे खेतन में हरी मजदूरी करो साईं पैसा तैसा मत बोले ता तो ता मत थोड़ा ही पाया छा साईं अरे ना तक के पहले भी बुधायो ता भुजी ना छा ये करना तू यहां देखो पोस्ट ऑफिस आई छा मालिक ता पहचिए थी जी शादी मुझे पुट सा कराए छेड़ो तो सचो कर्जो माफ करे दी दस ए खेती लायक चार बीघा जमीन भी दीनस जे में सूती फसल थे ना मा नया बढ़ाया दीनस ना ना मालिक हे न थिंदो मां पेंजी धी जी शादी ताजे हिन चरे पुट सा हे न तो थी सके पप्पा मोके चरे थी जे अरे पीना चरे होवा पर कंगाल कोने जी दिए राज कंदी राज तड़े भी ना मालिक इनका तो सुठवा मां पांजी थी के जिंदगी भर पान वटी रखिया अरे मगत पांजी सोई के समझाए ये सुनाएडो मापो वरी ना थी दो ना साईं ये ना थी दो ना थी दो तो ठीक है सामान खान निकल देगा एक मिनट माइन शादी लाए तैयार आया हाँ अरे चु अरे वाह सुनिए ना झूले लाल महल करें ताखा साड़ी दिया है ना ना पुत्र तू ही छाती चाहिए रहे ना माँ अगर हिन शादी का तवा जा तो कुछ दूर थी वेंदा तमारी शादी ला तैयार आया अरे मंगल चेहरो छो लट गेला खुशी जी गाला तन्मा बारात खड़ने चा तो अरे मुंड अरे भी 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 या इंद्री भी जल्दी जाए हां छाता कर तो हम जी इंद्री सोहणी की शादी अरे चरे सा गयो था पप्पा मोके चरे को छे अरे एक मिनट अरे झूले लाल बहन करे तुम आई के तो असाजे विच में कराए तो नसा तो के जा तो के तुझे पैसे सा मतलब आना सुबह ने अजी शाम जो पैसा पैसा खड़ी वंजे छो सुबह ने पैसा जी बरसात थी दीचा उन के तो उन सा तो के जा खबर भी है केतरा पैसा है ना अरे केतरा है इन सूद मिला के करे 15,000 अरे तो के तुझा पैसा सुबह ने कहीं मिली देगा जिन्ना मिल जाता ता बागुना नी ना चार गुना बटे ना चार गुना अरे चार सा छ तू डर ना बटे अरे बटे अरे भाई तू वही के ऐसा के ही मेरे केले मुसीबत में मिल चले सुभान दे पैसा की तरंदा अरे लगे तो हवा मुके सुनाते ना लगे तो तुखे काथे डिठो आ अरे ता मुके ने तो नहीं सुने तो असा पेरियो मिले आई हूं काथे अरे अमांचे घर में किथे तू वो ही कादर तो ना ही जिको पांचो भाग के गोले निकलायो हाँ हाँ मैं वो ही कादर है तो क्या तुझे भाग मिले
छा बुधाए तो के रास्ते में केड़ा केड़ा मानू मिल्या ए मुन सब
छा गल कई मुजो थोड़ो टाइम भी पास थी वे तो ए तो के कंपनी भी मिली वेंदी ते ठीक है साईं सुदो Yeah.
जोरदार ताड़न सां सभी कास्ट को सम्मान करो मां रिक्वेस्ट थी कया सभी कास्ट मंच ते अचे हाने सबनी का पहरी मां श्री वीके के सट करण चाहिंदस वीके जोरदार ताड़ी लगे तो सही कि तमाने मजो आए हिनसा वीके साहब सा गड़ी मां आकाश हिंगोराणी के घुराण के चाया मंच ते आकाश हिंगोराणी तवा के प्ले की लगो जोरदार आवाज में बुधाए जो मुखे मजो पे तो अच्छे ये डिसी करे कि रुगो ताड़न सा ता बुधाए के ता के किया वणो आवाज में चयो हो मां मत यो यो ग्रेट वंडरफुल तो सभी का पहली गाल जेका मैं बुधाइन थी चाहें दिस जेंटलमैन बी के हिंदी में थी गाला है या अंग्रेजी में थी गाला है ताकि इन्हें के अब समझ में अचे या ता हाने सिंधी समझने लगायो हां थोड़ो घणो ता का वधे कर तो आप बुराई सुनने के लिए तैयार हो जाइए वीके 40 सालन का लगातार बारन जे लाए थिएटर कंदा आयन 40 सालन का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा प्रोडक्ट आयन उता हन सिखियो एहन पंजो स्पेशलाइजेशन बारन जे लाए थिएटर डिसाइड कयो हो ता डिठो हुंदो इन नाटक में अड़ा काफी एलिमेंट्स हुआ जिनसा बारन के मजो अचे मतलब हुआ तो असा भी थोड़ा अच्छन बारन वारा बार ही आई सबनी के वणे ही थो बारन जो नाटक तक त बी इंपॉर्टेंट गाल जी नॉर्मली थिंदो आ ता सबनी या गाल सीखी हुंदी या ना सीखी आ त हियर वरी एम्फसाइज थी कया उने के कि नॉर्मली मानू छा कंदा है डायरेक्ट करण जडे वेंदा है नाटक के त स्क्रिप्ट खणी करे वेंदा है वीके जी खासियत या है जेका हुनन ब बारन सा कम करे करे शायद हासिल कई हुंदी कि उते बारन सा हिनन सबनी सा गालाइंदे गालाइंदे उने कहानी के वधाइंदे वधाइंदे उनन सजो नाटक ही तैयार कयो जे जी काई स्क्रिप्ट काने इट इज अ एन इम्प्रोवाइजेशन मतलब सभी के दिमाग में जेको जेको इंदो वो ही सब कंदा वे सो जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट मां बुधो आज इते धीरज मां बुधो इते सत पंचायत बसों खणी आई हुई है एक्चुअली सत पंचायतों आई हुई है अच्छा तो मां ताना हाणे पुछण थी चाहिया कि तांगे हाड़े समझ में आयो कि ही वर्कशॉप करे मतलब असा हिनन सबनी के तैयार कयो आ कि ही सब डायरेक्टर्स थी सगन बारन सा कम करे सगन हुनन के सिखारे सगन ए मजे मजे में सबनी का इंपॉर्टेंट गाल बारन जे लाए जेका थिंदी आ वो मजो असा जे लाए अगर कुछ बिल्कुल बोर थिंदो आ त असा के न वणंदो आ असा उठी करे वणण जी कोशिश कंदा आई सच्चाई है ना सच गाल है ना मतलब सिंधी में अब समझा थी मां हो तो यहा गाल हिनन सबनी के सेखारण जी हुई जै में वीके शायद काफी मेहनत खा पोए असा की यो टाइम देनो फॉर व्हिच वी आर एंग्री विद यू इतने टाइम तुमको बोला तब तुमने अभी एग्री किया वर्कशॉप करने के लिए I would like to thank the Sindhi Academy
definitely Sindhu for giving me an opportunity to do this production, because theatre ki jo khasiyat hai, wo ye hai ki bina ek paise ke ho jata hai. Aur Kingdom of Dreams mein karodon rupaye bhi unko kam pad jate hain, ghate mein chal rahe hain. Aur bahut maza hai, jaise inhone bula bhi. Bahut dukh bhi hai. बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत चैलेंजेस भी हैं. ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्ले है. क्यों? एक बात मैं बताना भूल गया कि नाटक, हाँ वो मैंने बताया कि एक पैसे, बिना पैसे के भी नाटक हो जाता है, करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाता है. मैं कह रहा कि सबसे चैलेंजिंग है ये नाटक. क्यों? इस 17-18 लोगों की टीम में एज ग्रुप 16 साल से लेकर 75 साल तक का है. आपने देखा हो, किसी के पास टाइम नहीं है नाटक करने का. टाइम निकाला, बहुत अच्छे से निकाला. कुछ लोगों ने, मतलब इनको आदत ही नहीं है कि रात के 9-10 बजे तक काम करते हैं. इन्होंने जितना मुझे दुख दिया उससे कहीं ज्यादा सुख दिया. सेम इज ट्रू अबाउट मी. मैंने इनको जितना सुख दिया उतना ही उससे कम दुख नहीं दिया. बराबर है, बिल्कुल हिसाब. लेकिन मैंने ये बीच में ऐसी स्थितियां हो गई थी कि आपने भी कहा था, मैंने, मुझे भी लगाया नाटक नहीं करते, और मेरे लिए बहुत आसान था. मेरे को अपनी ही कही हुई बात याद आई कि सबसे आसान काम है किसी काम को ना करना. छोड़ दो, मुझे पैसे उतने फिर भी उतने मिल जाते. नहीं यार, नाटक नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा. उससे भी ज्यादा मैं इनका पैशन और लेथार्जी देख करके मिला. नहीं यार, इनको तो सही जाना पड़ेगा कहीं, ऐसे तो छोड़ देंगे तो इनको कभी. मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, क्या पता नहीं लगेगा. आपने अगर ये नाटक ना किया आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपने क्या मिस किया. एंड मुझे लग रहा आज आपको ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर ये नाटक ना किया होता तो मैंने क्या मिस किया होता. सेम मेरे साथ भी है. तो मैंने नाटक इसलिए किया अभी. लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया कि नाटक अभी और कितना अच्छा हो सकता था, है ना, तो बहुत बड़ी बात. मैं उसी से संतुष्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं है. बट इस नाटक को करने में और भी बहुत योगदान दिया है, अपार्ट फ्रॉम द इनिशिएटिव फ्रॉम सिंधु जी टू माय फ्रेंड मनोहर खुशलानी एंड प्रकाश भाटिया एंड इनका ऑफिस का पूरा स्टाफ, धीरज एंड विनीत एंड मैनी अदर पीपल. एंड इसके अलावा ये तो मेरा सबसे प्रिय बच्चा. और इसके अलावा किरण, जिन्होंने ये कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन किया. किरण आजकल वो सीरियल करती है, नाटक नहीं करती. मैंने कहा आइए. कॉस्ट्यूम डिजाइन किया. एक्चुअली इस प्ले का पहला प्रोडक्शन इन्होंने ही किया था जयपुर में कभी, बहुत साल पहले, 25 साल से भी ज्यादा, 20-25 साल पहले. तो एंड आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू केम एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस शो एंड आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग. एंड मैं नाटक करने के लिए नहीं करता हूँ, मुझे इसमें ना जिंदगी नजर आती है. और एक्चुअली है, कोई चीज तो नहीं है जो दुनिया की इसमें नहीं है. नाटक में डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, एवरीथिंग. कोई आइडिया नहीं है जो नाटक में नहीं है. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी 6 बजे से 8:30 बजे तक हमने थोड़ा लंबा भेज दिया. प्लीज साजिद अनवर लाइट्स पे.
जोरदार ताड़ियों उन्हनि जे लाइ मेकअप भी साजिद ने किया म्यूजिक राजन झांगियाणी किरण थैंक यू वेरी मच सही बिल्कुल सही प्रॉमिस कयो कि जोरदार ताड़ियों वजाइंदा रहंदा तो मां तांखे ढंग सां इंट्रोड्यूस करण चाहिंदस ऐं इन मौके ते असांजे वाइस चेयरमैन मोहिनी हिंगोराणी जी के मंच ते आमंत्रित थी कयां उन्हनि सां गॾु मोहन आहूजा साहब महेश राजाणी साहब मूरजाणी साहब चंदी रामाणी साहब असांजी अंजलि तुलसियाणी शंकर मूलवाणी साहब इन्हनि सभिनी खे रिक्वेस्ट थी कयां की मंच ते ईंदा प्रकाश जी बि हिते ॾिसां पई थी उहे बि आहिनि प्लीज़ मंच ते ईंदा ऐं ही जेके असांजा पार्टिसिपेंट्स आहिनि उन्हनि खे सर्टिफिकेट्स हिते ॾियण में तव्हां सपोर्ट कंदा अगरि तव्हां उथणु लॻंदा त ॾाढो बुरो लॻंदो ॿिनि मिंटनि जी ॻाल्हि आहे वधीक टाइम न वठंदासीं इहो प्रॉमिस आहे मतलब ही तो जिद्दी हैं भाई अच्छा वो था थैंक यू तो सभी का पहरी वीके जोरदार ताड़ी उन डायरेक्टर उन आकाश हिंगोराणी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हो बीके जे लाइ आकाश हिंगोराणीअ जे लाइ दौलत जे लाइ दौलत बीच में आई और आकर के लीजिए भाई फूल देंगे ना आप कहाँ आएंगे ना आगे वहीं लटक जाएंगे तो कैसे होगा दौलत हाँ मैं तक इंट्रोड्यूस थी क्या सजी एंड ऑफकोर्स किरण
the costume designer. Thank you, Kiran. Now I want to introduce the cast to you. Bansi Dhamija Sahab, unke certificate and gul. Rajiv Chandi Ramani Ji. Hinan ko workshop kai hui, alai chho participate na kayaun. Heart attack ho gaya. He had a heart attack. Haan. But what a man! I salute him. Wow. So we. सुठे मंच ते तवां जे सामू अची सगन ए सुठो कम देखारे सगन बी गाल
27 तारीख का असांजी सिंधी